हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक यूज़र फॉर्म डिज़ाइन करेंगे जिसमें जो फोकस है वो हमारा लिस्ट बॉक्स के ऊपर रहेगा। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम लिस्ट बॉक्स को डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। इस वीडियो में मैं तीन नए फंक्शन लेकर आया हूँ जो मेरे पुराने वीडियोज़ में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, प्रिंट, अपडेट और डिलीट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन एंट्रीज डालूंगा और फिर जो है ईच फंक्शंस के ऊपर काम करूंगा और आपको शो करूंगा कि कैसे ये फंक्शंस काम करते हैं। उसके बाद जो है मैं वो इसका डिज़ाइनिंग पार्ट जो कोडिंग पार्ट कॉन्फ़िगर करूंगा। डिज़ाइनिंग के बाद जो कोडिंग पार्ट होगा वो मैं टाइप नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो मैं टाइप करने लगे तो अननेसेसरी वीडियो का लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि पहले से जो मेरे पास कोडिंग है वो मैंने नोट पैड पर कॉपी कर लिया है। जैसे जैसे मेरे कमांड्स बटन कॉन्फ़िगर डिज़ाइन होते रहेंगे मैं उसको कॉन्फ़िगर करता रहूँगा। तो दो तीन एंट्रीज़ करके देख लेते हैं और फंक्शंस जान लेते हैं कि ओवरऑल वीडियो में होने क्या वाला है। नई एंट्री डालने के लिए हमको क्या करना है, हमको फॉर्म जो है वो रीसेट करना पड़ेगा। कन्फर्म इफ़ वी वॉन्ट टू रीसेट द फॉर्म। यस, फॉर्म जो है वो खाली हो गया है। अब हम इसमें एंट्री डालेंगे। इसमें जो लास्ट एंट्री है वो है 1023 और हम डालेंगे अब 1024। जैसे मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा तो वो अपडेट रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे अपडेट होना चाहिए। सबमिट अ न्यू रिकॉर्ड। यस, अब देख सकते हैं कि जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। सिमिलरली एक नया रिकॉर्ड और डालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये यूज़र फॉर्म को रिसेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब रिकॉर्ड को करेंगे ऐड। सबमिट न्यू रिकॉर्ड। यस, अब देखिए दो एंट्रीज तो मैंने आपको करके दिखा दी हैं। अब जानेंगे कि कैसे हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ में ले सकते हैं। ये जो है वो हमको पूछ रहा है कि
प्रिंट जो है वो मैंने क्यूट पीडीएफ राइटर से जो है वो प्रिंट की थी। अगर मेरे साथ प्रिंटर कनेक्टेड होता तो डायरेक्टली जो है वो प्रिंट आउट मेरी हार्ड कॉपीज में बाहर आ जाता। तो इसको मेरे को जस्ट अभी सेव करना है अपने डेस्कटॉप पे। ये तो रहा प्रिंट फंक्शन। अब मेरे को कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो अपडेट करना है, मान लीजिए मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई थी और मैं उसको रिकॉर्ड को जो है वो अपडेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? अभी तो मैं इसको अपडेट नहीं कर सकता क्योंकि ये अपडेट, ऐड न्यू बटन, नेक्स्ट और प्रीवियस, आप देख सकते हैं कि ये बटन जो है वो डिसेबल्ड है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, जाना है सर्च पे, यहाँ पर जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है वो मेरे को डालना है। जैसे कि मैं रिकॉर्ड नंबर 2010 को अपडेट करना चाहता हूँ, मैं सर्च पे क्लिक करूँगा। मान लीजिए मैं इस नेम को जो है वो एडिट करना चाहता हूँ, इस नंबर को जो है वो एडिट करना चाहता हूँ, यहाँ पे 90 करना चाहता हूँ। तो अब एडिटिंग के बाद मेरे पास ऑप्शन आएगी कि इसको अपडेट करूँ मैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगी। जो मोबाइल नंबर है वो 82 की बजाय 90 हो जाएगा। अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, यस। तो आप देख सकते हैं कि जो रिकॉर्ड नंबर है 2010 वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। रीसेट बटन तो आप पहले ही देख चुके हैं कि कैसे रीसेट बटन जो है वो काम करता है। अगर मेरे को यूज़र फॉर्म को रीसेट करना है, यस, और ये सारी फील्ड्स जो हैं वो ब्लैंक हो जाएंगी। अब करेंगे हम डिलीट। मान लीजिए मेरे को ये एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड है जो मेरे को यहाँ से डिलीट करना है, मैं जाऊँगा उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को जो है, मान लीजिए इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ 2014 को, डिलीट करूँगा। कन्फर्म इफ़ वी वॉन्ट टू डिलीट द सिलेक्टेड रिकॉर्ड, यस, वो रिकॉर्ड जो है वो यहाँ से चला गया है, आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे को एक रिकॉर्ड मैं सर्च कर रहा हूँ 2010, ठीक है। अब आप इसको जो है वो नेक्स्ट और प्रीवियस करना चाहते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड आपको चेक करना है 1009, प्रीवियस रिकॉर्ड तो आपको चेक करना है 1008। सिमिलरली जो नेक्स्ट बटन है यहाँ पे काम कर रहा है 1008, 1009, 10, 11, 12। ये एग्ज़िट बटन जो है वो हमारा क्या करेगा, इस यूज़र फॉर्म के साथ एग्ज़िट होते ही ऑटोमेटिकली जो हमारी एक्सेल की जो वर्कबुक है उसको भी सेव करेगा। उसकी कोडिंग भी मैंने की हुई है। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम जब एग्ज़िट यहाँ से करते हैं या फिर हम यूज़र फॉर्म को क्लोज़ करते हैं तो हमारा जो है वो डेटा जो है वो एक्सेल शीट पे जाकर के हमको फिर से दोबारा जाकर के सेव करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्ज़िट करूँगा, कंफर्म इफ़ वी वांट टू एग्ज़िट, अगर यस करूँगा तो जो रिकॉर्ड है वो मेरा एक्सेल शीट से भी निकल जाएगा। 2014, मैं 2014 की बात कर रहा हूँ जो हमने रिकॉर्ड डिलीट किया था। तो देखिए जो 2014 मैंने रिकॉर्ड जो डिलीट किया था वो यहाँ पे नहीं है। आई होप फ्रेंड्स के आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस ओवरऑल वीडियो में होने क्या वाला है। तो मैं इसकी डिज़ाइनिंग और कोडिंग पार्ट जो है अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए मैंने एक अलग सी फाइल बना रखी है ऑलरेडी, और उसमें ये जो डेटा है जो आप लिस्ट बॉक्स में देख रहे हैं, ये वाला डेटा वो मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है वहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइनिंग पार्ट।
ये जो साइज़ है वो स्टैंडर्ड साइज़ में हर टेक्स्ट बॉक्स के लिए रख रहा हूँ, या कॉम्बो बॉक्स के लिए या डीटी पिकर के लिए। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये तो है कॉम्बो बॉक्स, ये है हमारा डीटी पिकर जो कि मैंने यहाँ से पिक किया है। डीटी पिकर यहाँ पे, डीटी पिकर जो है वो यहाँ पे नहीं होता, इसको लाना पड़ता है। इसको कैसे कंट्रोल्स में, टूल बॉक्स के कंट्रोल्स में लेकर आते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में कहीं पे एक्सप्लेन किया हुआ है। थोड़ा सा जो हमारे पास फॉन्ट है इसको बोल्ड कर लेते हैं। फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आगे मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो बनाऊंगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएगी, और आप जितनी ज़्यादा नॉलेज हो सके वो आप मेरी वीडियो से कलेक्ट करें। हाईटेक बार चेक करते हैं, विड्थ 144, तो वो सब जगह पे मैं स्टैंडर्ड ही रखूँगा।
सर्च के लिए हमको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। इसका प्रीव्यू देखते हैं एक बार कैसा लग रहा है। ये कॉन्फ़िगर करते हैं लिस्ट बॉक्स को जिसके ऊपर हमारा मेन फोकस है।
इस लिस्ट बॉक्स को जो नेम है वो हमने देना है, ये वाला, क्योंकि जो मेरी प्रोग्रामिंग है वो इसी के अकॉर्डिंग हो रखी है। कॉलम काउंट्स जो हैं वो हमको यहाँ से काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ये जो रॉ सोर्स है हमको इसके लिए क्या करना है, एक एक्सेल शीट में हमको टेबल बनाना है। इसको जो है हम रिकॉर्ड्स का नाम देंगे। जितनी भी एंट्रीज हमारी यहाँ तक आएंगी, 25 तक आएंगी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होती रहेंगी। अगर इससे ज़्यादा, मान लीजिए हमारे पास 2000 रिकॉर्ड हैं या 20,000 रिकॉर्ड हैं, उसको कैसे अपडेट करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। वो डेटा जो है वो आप देख सकते हैं कि हमारे लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो गया है। अब जो है वो हमको क्या करना है कि जो टेक्स्ट है वो एक सेंटर में लेकर आना है, और कुछ के कॉलम्स हैं जो वो हमको रिसाइज करने हैं। देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। अब हमको ये जो पर्टिकुलर कॉलम है एड्रेस वाला, इसका साइज जो है वो बाकियों से बड़ा करना है, और बाकियों को जो बाकी कॉलम है जैसे ये स्टेट है या ब्लड ग्रुप है, प्रूफ ऑफ आईडी है, इनको स्मॉल करेंगे। एड्रेस जो है वो हमारा 4 नंबर पे है। पहला है रेफरेंस नंबर, सेकंड है फर्स्ट नेम, थर्ड है लास्ट नेम, और एड्रेस जो है वो 4th नंबर पे है। हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो सही हो रही है। आप देख सकते हैं कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं।
ये जो है हमको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा 54, इसकी भी हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये भी हमारा 61 तक ठीक है। दूसरा भी हमारा 61.6 PT, ये जो है हमारा बड़ा होना चाहिए 150.5 PT, एंड देन उसके बाद 61.6 PT, 61.6 PT, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट देन 9, उसके बाद लास्ट वाला कॉलम, तो इसको भी हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से और बाकियों को जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे करना क्या चाह रहा हूँ। अभी आप जो है वो कॉलम की विड्थ एडजस्ट कर रहे हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, देखते हैं अभी क्या रिफ्लेक्शन आती है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, अभी भी साइज़ को थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। स्टेट जो है वो लास्ट में थोड़ा साइज़ जो है वो ज़्यादा